अभी इस वीडियो में आज आप देखेंगे स्टैंड कैसे फिट करते हैं सिलाई मशीन का, जो बीड की पायदान आते हैं, ये पायदान वही है। इसको देखो, फ्रेम को चार नट बोल्ट रहती है साइड में, चारों में खोल डाल रहा हूँ। खोलने के बाद में उसको साइड के एक पैनल जो है वो पैनल अपन पहले ऐड करेंगे, मतलब ये बीच में का हिस्सा खड़ा रह सके। अभी देखिए मैंने पैनल एडजस्ट कर दिया है। पैनल एडजस्ट करने के बाद में इसको आप पैनल के नट बोल्ट अच्छी तरह से लगा दीजिए। पहले ढांचा खड़ा करना होता है, अभी मैं सिर्फ ढांचा खड़ा करके बता रहा हूँ आपको। अभी साइड का जो पार्ट है, मतलब जो पैनल है, उसको अपन ने एडजस्ट कर दिया है दो नट बोल्ट के सहारे। अभी दूसरे साइड का जो पैनल है सेम उसी तरह से फिट करना है। और ये थोड़ा तिरछा होता है, आप देखेंगे बीच में का जो फ्रेम है वो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो ये टेढ़ा ही होता है, एकदम सीधा नहीं रहता है। टेढ़ा इसलिए होता है कि चक्के की जो नीचे की पायदान होती है वो पायदान ज़मीन को टिके ना। देखिए मैंने दोनों फ्रेम खड़े कर दिया है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे मैं व्हील लगा रहा हूँ। व्हील लगाने के लिए नीचे की जो फ्रेम है ये भी लगा लेंगे पहले, मतलब चक्का और डंडे दोनों अपन साथ में बिठा सकें। दोनों साइड के नट ढीले करके फ्रेम बीच में डालना है, मतलब पैदा, और फिर दोनों नट बराबर से कर डालना है। अभी चक्के का नट पहले टाइट कीजिए, क्योंकि अगर आपने चक्का वैसा ही आधा अधूरा फिट करके छोड़ दिया तो बाद में भूल जाएंगे और मशीन चलाने के बाद में फ्रेम टूट जाएगी। अभी देखिए अपना पूरा ढांचा खड़ा हो चुका है। अभी मैं चक्के का नट लगा रहा हूँ, डंडी आती है उसके लिए। ये नट इसके अंदर मैंने एक छोटा सा पॉलिथीन का टुकड़ा डाल दिया है, इससे पायदान आवाज़ नहीं करता, खटखट जो आपको आवाज़ सुनाई देती है इस तरीके की, वो आवाज़ आपको आएगी नहीं। अभी इसके अंदर मैंने नट लगा दिया है। अभी सारे नट बोल्ट जो है जितने भी लगाए हुए हैं सबको पूरी तरीके से फिट करना है। सिर्फ चक्के का और नीचे का पायदान का नट जो है वो थोड़ा कम टाइट करके बाहर का बोल्ट पूरा टाइट करना है, मतलब नट के साथ में चक्का जो है उसमें थोड़ा सा प्ले होना ज़रूरी है, और नीचे के डंडी में भी थोड़ा प्ले होना ज़रूरी है। बाकी जो चार नट फ्रेम के जो सबसे पहले दो फ्रेम लगाया हो उसको पूरी तरीके से आपको कसना है। अब ये नीचे का भी नट मैंने कस डाला है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।